अगर आप भी मेरी तरह एक यूट्यूबर है और आपका भी चैनल मोनेटाइज हो चुका है लेकिन आप अपने एडसेंस अकाउंट को लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, जब आप कंप्यूटर पर एडसेंस लॉगिन सर्च करते हैं तो यहाँ पर लॉगिन का जो बटन है वो नहीं आ रहा है, आप अपने एडसेंस अकाउंट को लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, तो आज की वीडियो को कंप्लीट देखिए, क्योंकि मैंने पिछले कुछ दिन से देख रहा हूँ कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम पर या फिर मोबाइल पर हम एडसेंस अकाउंट को लॉगिन नहीं कर पा रहे, जो एडसेंस लॉगिन का जो यहाँ पर लिंक आता था वो लिंक आ ही नहीं रहा है। तो ऐसे में हम अपने एडसेंस अकाउंट को कैसे लॉगिन कर सकते हैं, सब चीज मैं आपको बताने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप, स्वागत है आपका टेस्टिंग संदीप यूट्यूब चैनल पर। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में दिए घंटे को भी दबा लीजिएगा। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, अब तक क्या होता था, जब हम गूगल पे जाते थे और यहां पर टाइप करते थे एडसेंस लॉगिन इस तरीके से, तो यहाँ पर एक पेज खुल करके आ जाता था गूगल एडसेंस करके, जब हम उस पर क्लिक करते थे सिंपली हमारे एडसेंस अकाउंट ओपन हो जाता था। लेकिन आजकल वो जो सिस्टम है, वो जो लिंक यहाँ पर आता था वो नहीं आ रहा है, और जब हम इन सब पर क्लिक करते थे यहाँ पर लॉगिन नहीं होता, हम थक जाते हैं फिर भी लॉगिन नहीं होता। तो मैं आपको बता देता हूँ कि हम अपने एडसेंस अकाउंट को मोबाइल पे या कंप्यूटर पे कैसे लॉगिन कर सकते हैं बड़े सिंपल तरीके से। तो देखिए, सबसे पहले हम आ जाते हैं यहाँ पर गूगल पर इस तरीके से, और अगर आप ये प्रोसेस जो है अपने मोबाइल फ़ोन पर करना चाहते हैं तो आपको क्रोम ब्राउज़र ओपन करनी है और डेस्कटॉप साइट को ओपन कर लेनी, मतलब डेस्कटॉप मोड पे आपको आ जानी है, ठीक है। फिर आपको भी सेम कंप्यूटर की तरह देखने को मिलेगा। इसके बाद सबसे पहला काम आपको क्या करनी है, यहाँ पर आपको एक नया टैब लेनी है। नया टैब लेने के बाद यहाँ पर यूट्यूब सर्च करनी है, यूट्यूब, समझ मेरी बात, यूट्यूब आपको सर्च कर लेनी है। YouTube सर्च करने के बाद इस तरीके से आपको YouTube पर क्लिक करनी है, और यहाँ पर आपको उसी जीमेल अकाउंट से लॉगिन करनी है YouTube पर, जिस जीमेल आईडी से आपने अपना एडसेंस अकाउंट को बना रखा है, मतलब साफ शब्दों में कहें तो जिस भी ईमेल आईडी से आपका एडसेंस अकाउंट बना है उस ईमेल आईडी से यहाँ पर आपको लॉगिन कर लेनी है YouTube पर। इसके बाद आपको नया टैब लेनी है और यहाँ पर सिंपली आपको टाइप करनी है www.google AdSense login, देख सकते हैं www.google AdSense login। इसके बाद यहाँ पर वही जो पेज हमें मिल जाएगा, देख सकते हैं जो पेज पहले मिला करता था वही वाला पेज हमें यहाँ पर मिल जाएगा, और डायरेक्टली आपको Google AdSense पर क्लिक कर देनी है इस तरीके से। इस पर क्लिक करने के बाद आपका जो Google अकाउंट है वो कम्प्लीटली ओपन हो जाएगा काफ़ी आसान तरीके से, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन पर, यहाँ पर हमारा गूगल अकाउंट ओपन, सॉरी हमारे यहाँ पर एडसेंस अकाउंट ओपन हो गया, देख सकते हैं आपका भी एडसेंस अकाउंट यहाँ पर ओपन हो जाएगा। बस इसी तरीके से आप भी फॉलो कीजिएगा। मैं फिर से एक बार बता दूँ, आपको गूगल पे आ जानी है, गूगल पे आने के बाद और यहाँ पर आपको टाइप करनी है www.google AdSense login, देख सकते हैं www.google AdSense login, ये आपको टाइप करनी है और सिंपली आपको इंटर कर देनी है, ठीक है। इंटर करने के बाद यहाँ पर सिंपली आपको मिल जाएगा गूगल एडसेंस, इस पर आपको क्लिक करनी है। इसके बाद जो आपका एडसेंस अकाउंट है वो यहाँ पर लॉगिन हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन पर किस तरह से हमने इस पर क्लिक किया और हमारा जो एडसेंस अकाउंट है वो यहाँ पर ओपन हो चुका, खुल के आ चुका है। यहाँ पर आप पेमेंट चेक कर सकते हैं, अकाउंट पे आ सकते हैं, सब चीज़ आप यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से इसी कीवर्ड की मदद से हम अपने एडसेंस अकाउंट को लॉगिन कर सकते हैं फ्रेंड्स। आई होप आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में घंटे को भी दबा देना, और जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, जिससे सबका प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो अपने टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।